हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भारत ने संयुक्त राष्ट्र को जमकर धोया। इंडिया अगेंस्ट टोल्ड यूएन लाइक ओल्ड कंपनी, वीटो वर्सेस इंडिया। चलो देखें क्या ये न्यूज़। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अब इंडिया डिटरमिन हो चुका है कि भैया वीटो पावर दो, नहीं तो भाई अब नहीं। कितने टाइम से आराम से समझाया, प्यार से समझाया, थोड़ा गुस्से होकर समझाया। मेरे ख्याल से तो अब टाइम आ गया है कि अब पूरा प्रेशर डाल के जल्दी से जल्दी वीटो पावर की मांग करें और ले लें ये पावर। अब देखते हैं अब क्या किया हमने। तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि भारत को वीटो पावर मिलने वाली है और भारत जल्द ही यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने वाला है, लेकिन इन सब की बात चल ही रही थी कि इसी बीच भारत और इजराइल ने मिलकर यूनाइटेड नेशन के साथ ही बहुत बड़ा खेल कर दिया। और भारत को ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि देखा जाए तो फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस के साथ साथ अन्य सभी देशों का समर्थन मिलने के बावजूद भी अभी तक भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर नहीं बनाया गया। चाइना जो है। और हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीधे तौर पर यूनाइटेड नेशन को ही तगड़ी फटकार लगा दिया है और घुमा फिराकर यह बात कह दिया है कि भाड़ में जाए तुम्हारा यूनाइटेड नेशन, क्योंकि इतने सारे देश का समर्थन होने के बावजूद भी यूनाइटेड नेशन ना तो भारत की अहमियत समझ रहा है और ना ही दुनिया भर में चल रहे युद्ध को शांत करा पा रहा है। बल्कि देखा जाए तो जिन देशों के पास वीटो पावर है, यह देश खुद उल्टा युद्ध में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व्ड है और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए इजराइल ने तो यूनाइटेड नेशन के जो चीफ है उनको पूरी तरीके से बैन कर दिया है और उन्हें अपने देश में प्रवेश करने से रोक दिया है। और अगर इसके बावजूद भी यूनाइटेड नेशन के चीफ इजराइल में पाए जाते हैं तो उन्हें जेल में बंद किया जा सकता है। भारत और यूनाइटेड नेशन से जुड़ी यह खबरें थोड़ा जटिल जरूर है, लेकिन इन सबको हम एकदम आसान शब्दों में समझने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमें भी उसको बैन कर देना चाहिए। भाई वीटो देता नहीं, तुम यहाँ पे इंडिया में भी नहीं आ सकते। हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल पूरा देश चाहता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को स्थायी सदस्यता मिले और भारत के पास भी वह ताकत होनी चाहिए जो कि चीन के पास है। यानी कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए क्योंकि भारत अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जिस पर बाकी के अन्य पांचों देश हैं जिनके पास वीटो पावर है। और देखा जाए तो चीन के पास वीटो पावर होने और यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर होने के कारण इन्होंने पिछले कुछ सालों में खूब फायदा उठाया है, क्योंकि कई बार देखा गया कि जिस मामले में भारत के फायदे की बात होती है, यहां तक कि जहां पर दूसरे देशों में भारत का एक्सपोर्ट और वैश्विक व्यापार बढ़ने की बात आती है, उन प्रस्ताव को किसी न किसी बहाने से चीन वीटो पावर का इस्तेमाल करके रिजेक्ट कर देता है और दूसरी तरफ उन प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं जहां पर चीन का खुद फायदा होता है। फिर चाहे उससे दुनिया का नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो, बस केवल इन्हें अपना फायदा दिखाई देता है। और भारत इसी स्थायी सदस्यता और ताकत को लेकर हमेशा विरोध करता आया है। और भारत का कहना है कि केवल पांच देशों के पास ही वीटो जैसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होना कहीं ना कहीं भारत और बाकी के अन्य उन देशों के साथ अन्याय है जो लगातार अपने देश को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं। और वह किसी भी मामले में बाकी पांचों देश से पीछे नहीं है, क्योंकि यह बात दुनिया जानती है कि इस समय भारत मिलिट्री पावर के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है और अर्थव्यवस्था के मामले में पांचवा सबसे बड़ा देश है। लेकिन इसके बावजूद भी यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन बने हुए हैं और उनके पास तो इजराइल को भी बना है। लेकिन भारत जो कि पांचवीं इकोनॉमी है, उसका नाम पांचों देश की लिस्ट में कहीं भी नहीं है। और आपको बता दे कि पिछले एक दो सालों से नहीं बल्कि 10 सालों से भारत यह बात कहते आ रहा है कि यूनाइटेड नेशन में बदलाव होना चाहिए और पुराने नियमों को बदलकर समय के साथ यूनाइटेड नेशन में हम तो अपने बचपन से बोल रहे हैं कि हम क्यों नहीं बनाना चाहिए और जो देश इसके लिए कैपेबल है उनको वीटो पावर भी देनी चाहिए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार अमेरिका में यूनाइटेड नेशन की जो बैठक हुई थी
उसमें 193 देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे और जो बात भारत पिछले 10 सालों से कहता आया है, इनमें से लगभग सभी देशों ने वही बात दोहराई। यहां तक कि चीन को भी यह बात कहना पड़ गया कि यूएन को साउथ एशिया की ताकत को समझकर स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ानी चाहिए। हालांकि चीन ने डायरेक्टली तो भारत का सपोर्ट नहीं किया, लेकिन साउथ एशिया का बोला नाम लेकर अपनी बात को आगे बढ़ाया, जिससे कुछ ऐसा माहौल देखने को मिला कि मानो भारत के पक्ष में पूरी दुनिया टूट पड़ी हो। और बताया जा रहा है कि इस मीटिंग के दौरान एस जयशंकर ने अपनी बात सामने रखी तो इस बात को दुनिया ने सुना और एस जयशंकर ने सीधे तौर पर यह कहा कि दुनिया के सभी देश चाहते हैं कि यूएन में बदलाव होना चाहिए और उसमें भारत को जरूर शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन शायद इन सब के बावजूद भी यूनाइटेड नेशन की आंख नहीं खुली और उनके साथ जो होना बाकी रह गया था वही अब हो रहा है, क्योंकि इतने सारे देशों के समर्थन के बावजूद भी भारत को परमानेंट मेंबर बनाने और यूनाइटेड नेशन में बदलाव करने के लिए अभी तक कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया, चाइना जो बैठा है, जिसके कारण यूनाइटेड नेशन की भी मुसीबत बढ़ती हुई देखी जा रही है। क्योंकि एक तरफ तो भारत यूनाइटेड नेशन पर भारी पड़ रहा है और दूसरी तरफ इजराइल भी यूनाइटेड नेशन के खिलाफ उतर गया है तो। और आज ही खबर निकल कर आ रही है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन को फटकार लगाते हुए एक पुरानी कंपनी बताया जो कि मार्केट और बदलते समय के साथ बदलना नहीं चाहती और अपने पुराने नियमों के साथ आगे बढ़ना चाहती है, जो कि पूरे तरीके से कबाड़ी है। और वैसे भी देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन के जो स्थायी सदस्य देश है उनमें से कुछ देश पहले भी आग में घी डालने का काम करते थे और अब भी वही पुरानी रणनीति लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और उसके बाद आप इस दूसरी रिपोर्ट को देखिए जिसने यूनाइटेड नेशन का पर्दे के पीछे छिपा काला चेहरा दुनिया के सामने खोल दिया है, क्योंकि एस जयशंकर ने दुनिया से यह सवाल कर लिया है कि इस समय दो बहुत बड़े तनाव और युद्ध चल रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन कहां शांत बैठा है। यानी कि यूनाइटेड नेशन वही पुरानी कंपनी है जो कि युद्ध को शांत तो कर नहीं पा रही, बल्कि देखा जाए तो सीधे तौर पर यूनाइटेड नेशन के उन परमानेंट मेंबर द्वारा युद्ध को बढ़ावा दिया जा रहा है जिनके पास वीटो पावर भी है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि यूएन क्या कर पा रहा है, कभी कोई लड़ाई होती है तो उसको रोक नहीं पाता, कहीं पे टेररिस्ट अटैक होता है तो उसको कंडेम भी नहीं करता। अब उसी वजह से इसराइल भी तो गुस्से में है। इसराइल ने तो यूएन की मतलब कहते हैं मिट्टी पलीत कर दी कि उनके उसको ही बोल दिया कि तुम हमारी धरती पे आ ही नहीं सकते और अगर आ गए तो तुमको हम जेल में भी बंद कर सकते हैं। कितनी बेइज्जती वाली बात है ये होना, क्यों? क्योंकि यूएन ने करेक्ट स्टेप्स लिए ही नहीं। तुम्हारे पास इतनी पावर ही नहीं है कि कोई अगर देश गलत कर रहा है तो उनके ऊपर कोई कॉन्सिक्वेंस ही डाल सको, वो तो दूर की बात है। तुम गलत को गलत तक नहीं बोलने की तुम में हिम्मत है तो भैया किस बात का यूएन? और मोस्ट लाइकली या तो तुम इसमें रूल्स चेंज करो, कोई कॉन्सिक्वेंसेस लाओ, इतनी पावर तो हो कि तुम किसी के ऊपर कोई किसी देश के ऊपर एक्शन तो ले सको, वोटिंग करो उसके बाद कोई एक्शन लिया जाए उन देशों के ऊपर, पर उनके पास तो कोई पावर नहीं है, कुछ भी नहीं ये लोग करते हैं। और इंडिया को तो डेफिनेटली वीटो पावर मिलनी चाहिए। वीटो के लिए भी मैं सोच रही थी कोई ऐसा सिस्टम उसको चेंज करो कि भैया जैसे जो कंट्रीज बैठी हुई हैं अब जो इनको पास वीटो पावर उनको निकालने के लिए भी एक ऐसा तुम्हें तरीका होना चाहिए कि अगर पांच जैसे बनी हुई हैं, अगर पांच जिसको निकालना है अगर बाकी चार यस बोले तो उसको निकाल सको, ये थोड़ा का ताकि भैया पावर लगे। चाइना को तो निकालो, इतना अच्छा नहीं, इतना अच्छा उनके पास रीजन है कि वो तो एक्सपेंशन की थ्योरी पे जा रहा है और वो तो सारे दुनिया से अगेंस्ट होके बैठा हुआ है। इंडिया जितने भी स्टेटमेंट्स ले ले उससे कुछ नहीं होने वाला, जब तक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं बनता इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द पावर। चलो भैया जल्दी फिर बनो। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के बाद आपके पास जबरदस्त केस होगा कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और यूएन में नहीं है, सो दैट इज द ओनली वे। जब तक वो नहीं बनते हैं I do not think it will be easy to भैया दिन रात मेहनत करो और बनाओ इंडिया को तीसरे नंबर पे जल्दी से जल्दी। कितने भी बयान चले जाए, कितने भी कुछ कुछ नहीं करना अंटिल पावर आए। जब पावर आती है तभी चीजें मिलती हैं। ताकत से ही सब झुकते हैं, बिना ताकत के कोई नहीं झुकेगा, ये तो सच है बिल्कुल। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।